खूबसूरत नजारा। घंटियों से सजा यह रास्ता, यह मार्ग लपेश्वर बाबा मंदिर की तरफ जाती हुई, जहाँ कितना भव्य और खूबसूरत मंदिर यहाँ पे है। और ये है लटेश्वर बाबा का अंदरूनी हिस्सा, तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं है यहाँ पे, बस हम बाहर से दिखा सकते हैं कि इस बात तो ये है कि यह यहाँ पे जितना भी जल प्रवाह हो रही है ये मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से से है। यहाँ इस जी लटेश्वर से होते हुए जाएंगे गाइस, आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे और आप इस वीडियो में बने रहिए, जाइएगा नहीं, अभी हम लोग बहुत ही मजे करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली अब वापसी है अपने शहर की तरफ। हाँ जी लटेश्वर से होते हुए जाएंगे गाइस, आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे और आप इस वीडियो में बने रहिए, जाइएगा नहीं, अभी हम लोग बहुत ही मजे करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, बेल आइकन का बटन होता है ना, उसको मन करे तो लाइक हाँ, कर लेना। बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारे इस वीडियो में बने रहिए, ऐसा मस्त बाकी व्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी पीछे हमारे साथ हैं अच्छे अच्छे लोग हैं, काफी अनुभवी और कोई सिंगर हैं, कोई डांसर हैं, कोई बॉक्सर हैं, सबका टैलेंट दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। एक रानू मंडल का भाई है पीछे, वो देखो देखो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का लटेश्वर बाबा मंदिर में, जो बड़ावे गांव में स्थित है। और बड़ावे गांव है पिथौरागढ़ शहर से पहाड़ी के तरफ जो थलकेदार जाने वाली रोड पे बड़ावे गांव पड़ता है। और ये है बड़ावे गांव में लटेश्वर महाराज के भव्य मंदिर का मुख्य गेट, जिसकी सौंदर्यता ही एक अलग चमक बनाती है इस मंदिर की, जैसा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वाओ, ये देखो खूबसूरत नज़ारा। श्री लटेश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई हैं जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी फिर ये है मुख्य गेट, यहाँ से हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। में काफी खूबसूरत जगह है ये, अभी यहाँ पर चारों तरफ घंटियों से सजा यह रास्ता, यह मार्ग लटेश्वर बाबा मंदिर की तरफ जाती हुई, जहाँ पे एक से घंटियों की यह श्रृंखला देखकर ही इसकी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। और ये है भीतरी द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करते ही सीधे प्रागरण में पहुँचेंगे। यहाँ पे कुछ पानी का स्रोत है, देखिए भक्तों का काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, जो दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जो काफ़ी प्रचलित है लटेश्वर बाबा का यह मंदिर। यहाँ पर कुछ रात्रि बैठने के लिए स्थान बनाया गया है, यहाँ पर रात्रि पूजा पाठ होते रहते हैं। इस मंदिर की बहुत सी सारी रहस्य हैं, बहुत से पौराणिक कथाएं हैं जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा बड़ावे में स्थित लटेश्वर महाराज का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसके प्रांगण से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। काफ़ी भव्य और खूबसूरत मंदिर है, और प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के तीसरी द्वार से अंदर। और ये देखिए लाजवाब दृश्य, शायद ही आपने किसी मंदिर में ऐसा दृश्य देखा होगा। यहाँ पर रात्रि अग्निकुंड है, जहाँ पे
पूजा पाठ होती है तो ध्वनि प्रज्वलित की जाती है। और ये देखिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और ये है आपके सामने में अद्भुत मंदिर का है नज़ारा। और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रात्रि विश्राम का जगह बनाया गया है जहाँ पर आप रात्रि यहाँ रह सकते। बाकी यह मंदिर बड़ावे गांव की शोभा ऐसे बढ़ाती है मानो स्वर्ग में देवी देवताओं का राज हो। इसी तरह से बड़ावे गांव में यह लटेश्वर महाराज का मंदिर काफ़ी प्रचलित है, सक्षम है। और आप देख सकते हैं कितना भव्य और खूबसूरत मंदिर यहाँ पे हैं। और कुछ बाबा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ सन्यासीगण हैं जिन्होंने सन्यास रूप लिया हुआ है। और ये बाबा जी हैं यहाँ पर हमारे। इस मंदिर की जो सौंदर्यता है अपने आप में काफ़ी रहस्य पटोड़े हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से देखें तो कम पड़ जाएगा हमें ये देखने के लिए। लेकिन अभी हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में भी जाएंगे। और यहाँ पे मंदिर के दाईं तरफ कुछ शिलान्यास हैं और देखिए चारों तरफ यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचनाएं भी लिखी गई हैं। गर्भगृह में पुजारी के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित है, यानी इसके अंदर किसी को भी जाना सख्त मना है। जो भी भक्त होंगे बाहर पे आके अपना चढ़ावा चढ़ाएंगे और यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ शिलान्यास हैं भव्य पत्थरों के बीच में बना हुआ यह जगह। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है, कृपया पवित्र गुफा में अंदर मंदिरा वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो भक्तों को पालन करना अनिवार्य है। और ये है लटेश्वर बाबा का अंदरूनी हिस्सा, तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं है यहाँ पे। बस हम बाहर से दिखा सकते हैं कि इस मंदिर की बहुत सी खासियत खास बातें हैं, बहुत से रहस्य हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक कुंड है जिसका पानी का स्रोत इसी मंदिर के अंदर से है और यहीं पे लटेश्वर बाबा विराजमान हैं। और इसके अंदरूनी का हिस्सा तो हम आपको दिखाएंगे नहीं, उसके लिए आपको स्वयं मंदिर प्रांगण में ही आके प्रभु के दर्शन करने होंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल और इलीगल मानी जाती हैं। और अखंड प्रचलित दीद आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भक्तों का काफ़ी सैलाब आया हुआ है। और मंदिर का हम पूरा हिस्सा आपको दिखाएंगे किस तरह से सुसज्जित की गई है। और यहाँ पे नंदी बैल महाराज भी दिखाए गए हैं। मंदिर का अगर दूसरे रूप से हिस्सा हम आपको दिखाएं, लेकिन हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से को नहीं दिखाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर आपको मंदिर में लटेश्वर बाबा के साक्षात दर्शन करने हैं तो आप मंदिर में आ सकते हैं। बाकी हम बाहर की चीज़ें सब आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कितना भव्य और खूबसूरत मंदिर बड़ावे गांव में है। ये बड़ावे गांव वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि उनके गांव में ऐसा भव्य मंदिर यहां पर बनाया गया है। सब लोग देख रहे होंगे यहां पे सिक्कों को फेंकने की जो यहां पर प्रथा है, ये देखिए किस तरह से सिक्के यहां पे फेंका जा रहा है। और ये देखिए कुछ भक्तों के द्वारा इस तरह से ये समर्पित की जा रही है। जिनका अपना अपना श्रद्धा हुआ वो देखते हैं अपना श्रद्धा कितना सच्ची भक्ति है इनके पास। ऐसे यहाँ पे सच्चे मन से ये वाओ एकदम सेंटर में फेंका इन्होंने। और हमारे परिचित और हैं भक्तगण,
मैंने भी डाल दिया। ये है यहाँ पे इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत, इसी से यहाँ इसकी शोभा बढ़ती है। यहाँ पे ये अद्भुत कुंड है और आप देख पा रहे होंगे इस कुंड में श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सिक्के समर्पित की हुई है, सिक्कों का चढ़ावा दिया गया है यहाँ पे। और यह अद्भुत कुंड है, देखिए वाकई में खूबसूरत नज़ारा। बात तो ये है कि यह यहाँ पे जितना भी जल प्रवाह हो रही है ये मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से से है। यहाँ इस मंदिर प्रांगण के सबसे अंदरूनी हिस्से से जल की धारा बहती है और यहाँ से होते हुए कुंड से होते हुए यहाँ से इस जगह से आगे को और यहाँ से होते हुए नीचे एक धार में बहती है जहाँ पे नहाया जाता है। लोगों की कई आस्थाएं हैं यहाँ पर मंदिरों में, कई तरह की विश्वास है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है बटेश्वर बाबा का साक्षात मंदिर है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर कई आए हुए हैं और ये पूरा मंदिर प्रांगण में इलाका है और जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर हम यहाँ से पीछे साइड पर दिखाएं तो यहाँ पे ये है बटेश्वर बाबा का साक्षात मंदिर, सामने बटेश्वर बाबा का यह मंदिर है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर लटेश्वर बाबा का यह भव्य मंदिर जो लाखों में एक है, आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पे प्रथम गेट से बाहर आ चुके हैं और अब हम आपको यहाँ से ले जाएंगे जिस स्थल पे लोगों नहाते हैं, अपना पाप धोते हैं, कई तरह की पुण्य आत्माएं यहाँ पे वो धारा यहाँ पे की कई तरह की मान्यताएँ हैं, कई तरह की आस्थाएँ हैं। दोस्तों प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और ये अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मुख्य गेट है। जय हिंद, लटेश्वर बाबा की जय एक बार फिर से।